हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल जंक्शंस के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पर टिशू को समझ लेते हैं कि टिशू क्या होता है। तो देखो, जो हमारा टिशू होता है, ठीक है, तो टिशू हमारा होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जब यहाँ पर कई सारी सेल्स मिलती हैं तो यहाँ पर जो है टिशू का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे बनती कैसे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर ये हमारा एक टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा एक टिश्यू का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सेल्स देखो इसके अंदर कैसे अरेंज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेल्स कुछ इस तरीके से ग्रुप में अटैच होती हैं, ठीक है, टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो हमारी सेल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होता है, तो इसको यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस बोला जाता है, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस, ओके। और यहाँ पे जो हमारी ये सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो कि ये जो बेसमेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर ये सारी सेल्स यहाँ पे अटैच हैं, इसको यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लो, क्योंकि हमारा आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली हैं। तो ये होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, तो ये आपस में ज्वाइंट कैसे होती हैं, तो ये आपस में ज्वाइंट होती है यहाँ पे जंक्शंस की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ज्वाइनिंग होती है, यानी एक सेल जो हमारी दूसरी सेल से अटैच होती है, तो यहाँ पे ये जिस चीज़ से अटैच होती हैं उसी को यहाँ पे सेल जंक्शन बोला जाता है, ठीक है। यानी सेल जंक्शन बेसिकली हमारा करता क्या है, दो सेल्स को अटैच करने का काम करता है। और वही चीज़ हमारी यहाँ पे लिखी हुई है कि सेल जंक्शन इज सिंपली द कनेक्शन बिटवीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू सेल्स, यानी कि जो हमारी सेल्स की ऊपरी लेयर यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो दो सेल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वही हमारा सेल जंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो सेल जंक्शन है, ये हमें दो सेल के बीच में भी देखने को मिल सकता है, या फिर जो हमारी सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। अब ये जो सेल जंक्शंस होते हैं, ये हमारे बेसिकली मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि दो सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, यानी कि उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेल जंक्शंस के बारे में, तो ये हमारी सेल्स की अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, तो जो दो सेल आपस में अटैच हैं, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई आयन या फिर सब्सटेंस का मूवमेंट होना है, ट्रांसफर होना है, तो उसमें भी हमारा ये हेल्प करता है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंस है, तो उसको रोकने का काम भी हमारा सेल जंक्शन करता है। और उसके बाद ये हमारी सेल कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सेल कम्युनिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो वहाँ आप लोग जब देखोगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हमारे जो सेल जंक्शन होते हैं, ये बेसिकली पांच टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारा टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एडहेरेंस जंक्शन, तीसरा होता है डेस्मोसोम, फोर्थ होता है हमारा हेमीडेस्मोसोम, एंड फिफ्थ होता है हमारा गैप जंक्शन। तो अब इन पांचों को एक एक करके हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइट जंक्शंस के बारे में। तो जो हमारे टाइट जंक्शन होते हैं, तो जैसा इनका नाम ही है टाइट जंक्शन, तो यहाँ पे जो हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत ही टाइटली अटैच होती हैं, ठीक है, थीके? और ये बेसिकली हमारा एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि जो हमारे अनवांटेड आयन्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिनकी यहाँ पे सेल में कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनके मूवमेंट को यहाँ पे प्रिवेंट करता है, यानी कि स्टॉप करता है। अब हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती हैं, जो कि यहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे टाइट जंक्शन को कंटेन करती है, जो कि हमारा जैसे यहाँ पे स्टमक है, इंटेस्टाइन है और यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, तो इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी लीकिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि उनके जो अंदर जो भी सब्सटेंस हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पे लीक नहीं होने देता है, ताकि वो जो है ब्लड में जाके ना मिल जाए। तो अब आप लोग इसको ऐसे समझो कि जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा यूरिन फुलफिल होता है, तो ये जो इसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे टाइट जंक्शन होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यूरिन है उसको यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से बाहर नहीं जाने देते हैं। अगर सोचो यहाँ पे ये जो यूरिन है ये यहाँ पे बाहर निकल गया, तो ये यहाँ पे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और उसी तरीके से जो हमारा स्टमक होता है, तो उसके अंदर HCl होता है, जो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है, तो उसको भी यहाँ पे लीक होने से प्रिवेंट करने में हमारा टाइट जंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखो, टाइट जंक्शन यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से देखने को मिलता है कि जैसे हमारी मान लो ये दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी ये हमारी दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो टाइट जंक्शन मतलब बहुत ही टाइटली यहाँ पे, ठीक है, बहुत टाइट यहाँ पे आप लोग को जो है जंक्शन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही टाइटली अटैच होता है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हमारा कोई भी सब्सटेंस है उसका मूवमेंट यहाँ पे इसके आर पार नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पे ये प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत टाइटली अटैच होती हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एडहेरेंस जंक्शन की, तो इसको यहाँ पे बेल्ट डेस्मोसोम्स भी बोला जाता है, और जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन होता है ये यहाँ पे प्लैक को कंटेन करता है। अब इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखो तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन होता है, तो इसमें बेसिकली जैसे हमारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ये हो गई,
तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, जो हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस है, वहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे प्लैक का स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। अब प्लैक हमारा होता क्या है बेसिकली, तो ये होता है हमारा डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन्स जो है इकट्ठा होते हैं और जो है एक बहुत ही डेंस लेयर यानी कि बहुत ही गाढ़ी लेयर को फॉर्म कर लेते हैं, जिसको यहाँ पे प्लैक बोला जाता है। अब ये प्लैक बेसिकली करते क्या है, तो इसमें जो है हमारे कुछ माइक्रोफिलामेंट्स पीछे की तरफ अटैच होते हैं, ठीक है, और ये हमारे बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे यहाँ से निकला है, ठीक है, फिर यहाँ से निकला है, फिर यहाँ से निकला है, और यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पे जो है एक कनेक्शन को फॉर्म कर लेते हैं और यही हमारा जो है एडहेरेंस जंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर में देख के समझ सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लैक हो गया, ठीक है, और इसके पीछे जो आप लोग को थोड़ा सा मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा माइक्रोफिलामेंट्स हो जाते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है ये यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे बिल्ड होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे डेस्मोसोम्स की, तो ये बिल्कुल यहाँ पे एडहेरेंस जंक्शन की तरह ही होते हैं, बस यहाँ पे जो फिलामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे कैरेटिन के बने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडहेरेंस जंक्शन में मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि ये जो है पीछे बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, ठीक है, यानी कि पीछे ये पूरा यहाँ पे इनकी एक बेल्ट फॉर्म होती है और इसीलिए इसको यहाँ पे बेल्ट डेस्मोसोम भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो पीछे हैं, यानी कि ये जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन होता है, तो इसमें जो ये हमारे प्लैक होता है, ठीक है, ये पीछे पूरा बेल्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि बेल्ट नहीं होती है, एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देख रहे हो इस तरीके से, और इसीलिए इसको यहाँ पे बेल्ट डेस्मोसोम भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे ऐसी कोई बेल्ट वगैरह नहीं होती है। और ये जो इसके फिलामेंट्स होते हैं ये यहाँ पे बेसिकली केराटिन से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ें, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है, और हमारे जो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में जो है कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे हैमी डेस्मोसोम्स की, तो देखो ये बिल्कुल डेस्मोसोम्स की तरह ही होते हैं, बस यहाँ पे डेस्मोसोम में क्या होता था, कनेक्शन जो है दो सेल के बीच में देखने को मिलता था, लेकिन जो हैमी डेस्मोसोम होते हैं उसमें जो हमारा कनेक्शन होता है वो हमारा सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में देखने को मिलता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था ना, तो बस वही है कि यहाँ पे जो हमारी सेल है वो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है वो यहाँ पे सिर्फ सेल से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन से कोई प्रोटीन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल हमें सेल से अटैचमेंट देखने को मिलता है और इसीलिए इसको यहाँ पे हैमी डेस्मोसोम बोला जाता है। और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे गैप जंक्शन के बारे में, तो ये एक स्पेशलाइज इंटरसेलुलर कनेक्शन होता है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे आयन्स और सब्सटेंस होते हैं, यानी कि हमारी दो दो सेल है, ठीक है, तो उसके बीच में अगर कोई सब्सटेंस या आयन्स का एक्सचेंज होना है या फिर ट्रांसफर होना है तो उसमें हमारा गैप जंक्शन हेल्प करता है। अब गैप जंक्शन का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बीच में यहाँ पे गैप जंक्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई आयन या फिर सब्सटेंस है तो वो यहाँ पे इसके थ्रू एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए इसको यहाँ पे गैप जंक्शन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि गैप देखने को मिल रहा है ना, और इस गैप के थ्रू हमारे आयन्स और सब्सटेंस का यहाँ पे ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज जो है दो सेल के बीच में होता रहता है। अब जो हमारा गैप जंक्शन होता है वो यहाँ पे सेल की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सेल कम्युनिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आई होप कि आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।